एक्सक्यूज मी, आई एम राहुल। हाँ तो? सेल्स एग्जीक्यूटिव। ओके। 20,000 सैलरी मंथली है तो उसके लिए मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, मैं बैचलर हूँ। एंड यू? सॉरी सर, मैं शादीशुदा हूँ, जरा यहाँ से दूर जाएंगे? ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, नहीं तो कचरा हो जाता। आंखें देखो, बिल्कुल उल्लू की आंखें हैं। ये क्या मजाक है? कितने देर से वेट कर रहा हूँ और तुम देखे बिना चली जा रही हो? यहाँ वेट करने के लिए किसने कहा? क्यों? अगर पिताजी ने देख लिया तो बस हो गया। देख लिया तो पैसे मांगेंगे? जब देखो मजाक करते हो। वहाँ कॉर्नर पे खड़ी हूँ, जल्दी जाके बाइक लेके आओ। ठीक है मैडम। लगता है कोई धोखेबाज है। बाय। तुम्हारे जाने के बाद 3-4 लोग आ गए। अरे बाप रे, उसके बाद क्या हुआ? मैंने उन्हें बहुत समझाया, नहीं माने। इतना समझाने पर भी वो नहीं माने तो मैंने उन्हें धो डाला। उसके बाद वो गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगे, बेचारे समझकर छोड़ दिया। कुछ भी हो, तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उसे कंट्रोल क्यों नहीं करते हो? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या करूं, ये मेरे खून में जो है। कोशिश करूंगा। जब भी मैं बोलती हूँ हमेशा यही जवाब देते हो। आपसे क्या मैं आपकी जायदाद मांग रहा हूँ? मीटर के ऊपर 5 रुपए ही तो कह रहा हूँ। क्यों क्यों मीटर के ऊपर मांग रहे हो? उन्हें तक कहा था, यहाँ तक लेकर आया हूँ। अरे आप कुछ ना कुछ तो कहिए। ए, उससे क्या बात करता है, तुझे तो पैसे ही नहीं देने चाहिए। क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं देना चाहती हो? तू ऑटो थोड़ी चला रहा था, पूरे रास्ते मेरी लड़की को लाइन मार रहा था। बेकार में क्यों इल्जाम लगा रही हो, मैं क्या लाइन मार रहा था? देखा, वो भी कह रही है। जल्दी उतरो। क्यों? अरे उतरो ना, तुम ऑटो पकड़ के ऑफिस चली जाओ। हा? ये क्या बहन जी, 5 रुपए क्या ज्यादा मांग लिए? माँ और बेटी मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। अरे ये भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे पैसे क्यों फेंक रहा है? इसी मंदिर की कुंडी में डाल देना। जाओ। वो देखो माँ, राहुल जा रहा है। राहुल, ए ए राहुल। ओहो, फंस गया रे। इतना तेज क्यों चलाता है? ऑफिस का टाइम हो गया ना, तो उसके लिए इतनी तेजी से चलाएगा? अगर कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं चलता हूँ। ए, अरे तो कैसा मर्द है, ऑटो चलाने वाला इसे लाइन मारता है और शादी करने वाला इसे रुक कर भी नहीं देखता है। चुप हो जाओ ना माँ, डर के मारे भाग जाएगा। इसे तो ना देखना ही अच्छा था। मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। ये इस तरह से क्यों है, पता नहीं इसके साथ कैसे जिएगी। क्या हुआ, ड्रॉप कर दिया ना? अरे ड्रॉप कहाँ से करूंगा यार, रास्ते में ही आंटी और संध्या ने मुझे देख लिया। ये तो शुक्र है कि मैं बच गया। यार तू इस तरह के काम करता क्यों है? सुबह जाके ड्रॉप करता है, शाम को पिकअप करता है, तू क्या गवर्नमेंट की बस है? सुन यार, प्यार करना हो तो ये करना जरूरी है, अगर ये भी नहीं करेंगे तो प्यार करना ही बेकार है। हफ्ते में एक दिन बीच, सिनेमा, ऐसे ही कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। इससे भी जरूर क्या है पता है, अगर उसके घर में कोई फोन होना तब तो कोई बात ही नहीं। हर 10 कदम पर पब्लिक बूथ क्यों है? इसीलिए तो है, वहाँ एक्सटेंड कर करके बात करते रहेंगे ना तो उसका मजा ही कुछ और होता है। क्या है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा। ये सेल फोन, SMS, ईमेल, इंटरनेट, ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है ना, ये सब हमारे लिए तो डेवलप करते हैं। ये जो है ना, बिल्कुल नया ज्ञान है, एक्सपीरियंस करो तो जानो। ये तुम नहीं समझोगे, पीछे कोई बैठ ना पाए इसलिए बाइक में सीट भी नहीं लगाई तूने। तुझे तो ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, कम से कम पेट्रोल तो बचेगा। ए, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई प्यार ना करता हो, तो क्यों प्यार से नफरत करता है यार? है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अबे चुप हो जा खजूर, प्यार को बेकार में बदनाम करते हैं। अभी तक तो अच्छा खासा था, लेकिन अचानक ये लव कहाँ से आ गया बे? रोज बस में किसी लड़की के पीछे जाओ तो कहने लगते हैं प्यार है, किसी लड़की के साथ बीच या सिनेमा जाकर आएंगे उसे भी प्यार कहेंगे, अगर दूर से किसी लड़की को देखते रहेंगे
तो वो भी प्यार है, मगर पास में जाकर उसे आई लव यू कहने की हिम्मत भी किसी में नहीं है। अगर पूछे तो कहते नजरों का प्यार है। ये क्या यार, गिरते को सहारा देने पर भी प्यार बोलते हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब तो छोड़ो, सड़क पे जाते समय एक्सक्यूज मी ये एड्रेस कहाँ है अगर किसी ने पूछ लिया, बस हो गया, फिर उसके एड्रेस की वजह ये भागने लगेगा। नहीं, ये सब तो फिर भी सहन हो जाता है, वहाँ देखो। अरे रे 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 रे, कैसे मसल रहा है, जैसे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचती है। तेरे आने से 1.5 घंटा पहले ये लोग आए, तब से ये लोग बात तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनके हाथ पैर बहुत बात कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस में ऐसा क्यों करते हो, जाकर पूछो तो। वी आर ट्रू लवर्स, लवर्स ऐसे ही रहते हैं। तुमने जो कहा ना ये इंटरनेट और ईमेल, उस पे चैटिंग करके अब डेटिंग तक पहुंच गए हैं। मगर सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, अब मुझे देखो। अरे यार तू तो बहुत शरीफ है ना, गाड़ी के पीछे लड़की को बैठा कर रास्ते में लड़कियों से बोलता है, आई एम राहुल, आई एम ए बैचलर बोल के लाइन मारता फिरता है। ये इश्क जो होता है ना, वो यहां से नहीं आना चाहिए, यहां से आना चाहिए। अब जा और जाकर अपना कुछ काम करो। इससे बात करने से अच्छा है भैंस के आगे बीन बजा लो। ए, रात को पिक्चर जाएंगे, जल्दी आ जाना। ठीक है ठीक है। ए, कॉफी नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, तुम दोनों मिलकर गटक लो। मनोज, क्लीन द टेबल, व्हाट डू यू वांट सर? ए राहुल, तेरे लिए ब्लू, मेरे लिए येलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हे, देखना सर आ रहे हैं। होय, मुझे दिखने में पढ़े लिखे लग रहे हो, स्टूडेंट सिगरेट पी रहा है, साइड में होके जाओ ना, घूर क्यों रहे हो खड़े रह के? कॉलेज में आकर पढ़ते ही नहीं हो, ऊपर से पढ़ाने वाले की इज्जत भी नहीं करते हो। हाँ वो सब हम जानते हैं, बेल बज गई है, क्लास में जाओ। अरे पढ़ लिख कर तुम क्या बनने वाले हो, जाके किसी होटल में बर्तन साफ करते फिरोगे? गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ? ये मेरा ही तो होटल है। तुम्हारा है? जी हाँ। सुन के बहुत खुशी हुई, इसे अभी भी साथ में रखा हुआ है? ये कभी नहीं सुधरेगा। अच्छा चलता हूँ। सर कुछ भी खाए बिना जा रहे हैं? कुछ नहीं चाहिए, इसे देख के मेरी भूख मर गई। क्यों भाई, क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया भैया। एक टेंशन गया नहीं कि दूसरा। वो यही है क्या? सुबह ही आके चला गया। ये फाइल ले जाकर संध्या के बाप को दे देगा? क्या हुआ, तुम जाओगे या मैं खुद ले जाके दे दूं? रहने दो, मैं ही दे दूंगा। ए गौतम, उस दिन जो बोला उसे मन में मत रखना, हमेशा की तरह घर आते रहना, ठीक है ना? ठीक है। क्या बात है गौतम, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया, बहुत बिजी थे क्या? आज अचानक आप घर में कैसे और मुझसे पूछ रहे हो? ए देखो गौतम आया है, जरा चाय लाना। और राहुल के पिताजी कैसे हैं, हमेशा एडवाइस देते होंगे? ऐसे कुछ भी नहीं है। और तुम लोग भी सुधरोगे नहीं? अच्छा अंकल, मैं निकलता हूँ। अरे रुको ना, चाय बोली है ना। ए चाय का क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हारी आंटी को कभी कभी ठीक से सुनाई नहीं देता है। हाँ, जैसे आपको सुनाई देता है, हर बात का जवाब रखता है। इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तू कब आया गौतम? अभी आया। क्यों, इसके लिए चाय लाने के लिए मैंने कहा कितनी देर हो गई, और हिलती डुलती आके पूछ रही कि कब आया।
आपने कब बोला? मन में ही बोलोगे तो मैं कैसे जानूंगी? क्यों री, मन में बात करने वाला मैं कोई पागल हूँ? क्या हुआ, तुम्हारे अंकल का स्क्रू ढीला हो गया? हाँ हाँ, बोलेगी क्यों नहीं, जा जाके भला मैंने तुझसे जो शादी की इसीलिए अब मैं भुगत रहा हूँ। आप एक दिन घर में रहकर मेरी जान क्यों निकालते हो? कौन कौन तुम्हारी जान निकाल रहा है? फिर से शुरू हो गए, मुझे चाय चाहिए ही नहीं, ये लड़ना बंद करोगे? आंटी जाके अपना काम करो, जाओ ना। जब भी कोई आता है ऐसे ही करते हैं। अब जाइए ना, मैं नहीं होता तो हाथ ही उठा देते। आइए आइए, यहाँ बैठिए। अरे बैठिए ना, और ये बढ़िए। अब मैं चलूं? मेरे जाने के बाद कुछ बोलना नहीं, नहीं तो मार खाओगे। हाँ